मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक लोन लिया था आज से एक डेढ़ साल पहले 2.5 लाख रुपए के आसपास का, कंटिन्यू मैं उसको पे नहीं कर पाया। जब पे नहीं कर पाया तो काफ़ी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, जैसे एजेंट का घर पे आना, एजेंट का धमकाना, एजेंट के द्वारा बदतमीजी करना और भी कई समस्याएं मेरे साथ में थी। मैं पूरी तरह लोन पे नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे एक व्हाट्सएप के थ्रू नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है आप 3 से 4 दिन के अंदर शाम 5 बजे से पहले पहले पेमेंट करके अपना पीछा छुटा लो, अन्यथा आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं फलाना फलाना पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। सर जी, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, क्या अब पुलिस भी लीगल नोटिस जारी करना शुरू कर दी? देखो, ऐसा अगर कोई भी मैसेज आपको आ रहा है तो वो मैं आपको बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको अगर वो मैसेज व्हाट्सएप पर रिसीव हो रहा है तो मैसेज करने वालों को तुरंत ब्लॉक करो, और जो दिल्ली पुलिस का या किसी भी पुलिस का लोगो लगा करके लोन रिकवर करने की बात कर रहा है उसको पहले तो एक्स पर जाओ, और दिल्ली पुलिस को, जिस भी पुलिस का उसने लोगो लगाया है उसको टैग करके दिखाओ कि देखो ये कार्य किया जा रहा है आपके नाम से, तो इमीडिएट बेसिस पर उस पर जिस स्टेट की पुलिस होगी वो एक्शन लेगी। देखो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। भाई देखो, आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत ये है, आपने बैंक के माध्यम से, NBFC के माध्यम से लोन ले लिया है, आप उसको कंटिन्यू पे कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास में रुपया पैसा नहीं है। जब रुपया पैसा नहीं है तो आपकी जो EMI है वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गई, आपके घर पे रिकवरी एजेंट भी आने लग गए, बदतमीजी करने लग गए। ठीक, अब उनको पता है बदतमीजी करने से कोई लोन की रिकवरी नहीं हो रही, अब कैसे लोन की हम रिकवरी करें, तो वो ऐसी टुच्ची और घटिया दो कोड़ी के एजेंट हरकत करना लगते हैं। तो आपको ऐसी हरकतों से डरना नहीं है, पुलिस का मैटर कभी भी लोन डिफॉल्ट में नहीं होता, पुलिस का मैटर लोन डिफॉल्ट में तभी हो सकता है जब आपने गलत तरीके से कोई लोन लिया है या फिर जानबूझ करके आप लोन को पे नहीं कर रहे हैं, तब जा करके आपके ऊपर 400BC वगैरह का केस जो होता है उसमें ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे लोन रिपेमेंट के मैटर में कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सही हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, अगर आप सही नहीं हैं तो भाई सीधी सी बात है आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि लोन डिफॉल्ट होने पर कोई पुलिस का नोटिस आता है, तो कोई पुलिस का ऐसा नोटिस नहीं आता, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ना कि इन टटकुंजियों की बातों में आकर के लोन की रिकवरी करना, तो ऐसे नोटिस को आप इमीडिएट बेसिस पर इग्नोर करें। अगर आपको किसी नोटिस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखो हमारे पास में 2 टाइप की सर्विसेज दी जाती हैं। एक सर्विस तो ये है जिसमें कि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, वो सामान्य जानकारी होती है क्योंकि हम कोई खुद लीगल एडवाइजर नहीं है, उसके लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी होती है और आपको बताना होता है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। आपके कंसर्न के अकॉर्डिंगली हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं, हमसे बात करोगे काफ़ी मिनिमम फीस की। अगर आप सामान्य जानकारी के लिए हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें आपकी बात जो है वो मुझसे होगी और यहाँ पर आपको काफ़ी मिनिमम फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है या हमें लगेगा आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम इमीडिएट बेसिस पर आपके केस को थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर के पास में फॉरवर्ड करेंगे, थर्ड पार्टी एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा आपको करना क्या है, क्योंकि हम खुद कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, खुद कोई एडवोकेट नहीं है, हमारे साथ में कई मल्टीपल लीगल एडवाइजर जो है, एडवोकेट जो है वो अवेलेबल है। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाएं। कोई लोन डिफॉल्ट होने में पुलिस नहीं आती, पुलिस तब आएगी जब आप या तो किसी प्रकार का लोन लिए हैं, आपके ऊपर कोर्ट में केस हो गया है, आप कोर्ट के जो समन आ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तब पुलिस आ सकती है, या ECS वाला जो केस होता है उसमें पुलिस आ सकती है। कुल मिलाकर के जवाब यही है, कोर्ट के नोटिस को, कोर्ट के समनों को अगर आपने इग्नोर किया तो पुलिस 100% आएगी, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है उसमें भी आपके घर पे पुलिस आ सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप अवेयर रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, किसी के चक्कर में ऐसे नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।